हेलो एवरीवन, वेलकम बैक. दिस इज रोशन पहाड़ी. हम लोग आज जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ये एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स है. इसका पार्ट वन है आज, और ये एक्सक्लूसिवली आईसीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए है. बाकी स्टूडेंट्स भी इसको देख सकते हैं, बेसिक चैप्टर है, लेकिन थोड़ा सा जो सिलेबस वाइज अलग है, इसीलिए ये चैप्टर मैंने अलग से सिर्फ आईसीएसई के लिए आज प्रिपेयर किया है. चैप्टर को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. एसिड बेसिस एक साथ में देखेंगे, बीच में फिर एक इंडिकेटर्स का भी पार्ट आया, और देन फिर हम लोग सॉल्ट्स को सेपरेटली देखेंगे. ऐसे कुछ पार्ट्स में ये चैप्टर को डिवाइड किया है. तो सबसे पहले इनके डेफिनेशंस देख लेते हैं. अभी क्या डेफिनेशंस है, पहले क्या डेफिनेशंस थी, आज हम उसको कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं, और एक एक एग्जांपल पे फिर हम लोग उसमें देखेंगे, फिर आगे रिएक्शन से हम उनको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एक एसिड क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एसिड. इट इज अ कंपाउंड व्हिच व्हेन डिसॉल्वड इन वाटर, उसको वाटर में आपको डिसॉल्व करना है, इज हाइड्रोनियम आयन. H3O+ से आपका क्या मतलब है, हाइड्रोनियम आयन एज द ओनली पॉजिटिवली चार्ज आयंस. तो अब इसको देखिए होगा क्या, HCl क्या है, ये H+ और Cl- डिसोसिएट कर देगा एक्वियस स्टेट में. ये जो H+ है, ये वाटर के साथ में डिसॉल्व होगा, आई मीन मिक्स होगा, और वो हाइड्रोनियम आयन को जनरेट करेगा. ये एक डेफिनेशन है. आगे हम लोग एक RMS थ्योरी देखेंगे कमिंग चैप्टर्स में, सॉरी कमिंग वीडियो में. तो उसमें आपको ये डिफाइन करना है कि अगर H+ आयन रिलीज होता है, जो भी आपके पास सब्सटेंस है, वो अगर H+ आयन को रिलीज कर रहा है, तो वो एसिड है. ऐसे दो डेफिनेशन है हमारे पास. तो एक तो ये वाला डेफिनेशन है कि आप वाटर में उसको डालेंगे, वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस को हील करेगा, एक ये डेफिनेशन है. और दूसरी ये H+ वाली है, ये भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा. अगला जो हमारा डेफिनेशन है, ये हमारा बेस का डेफिनेशन है. सो इट इज अ कंपाउंड विच रिएक्ट्स विद हाइड्रोनियम आयन, यानी कि जो H3O+ आयन आया था, ऑफ एन एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर ओनली. अब ये क्या करेगा, जो एसिडिक में आपका हाइड्रोनियम आयन जो जनरेट हुआ है, इसके साथ में रिएक्ट करेगा, सॉल्ट एंड वाटर को वो प्रोड्यूस करेगा. देखिए इसका एक एग्जांपल, CuO plus HCl. अब इसमें आपको पता है कि ये जो H+ रिलीज हुआ था, ये आगे हमारा हाइड्रोनियम आयन बनेगा. एक्वियस सॉल्यूशन में जब हम इस रिएक्शन को सॉल्व करते हैं, तो ये H और ये O, आई मीन ये H मतलब कौन सा, हाइड्रोनियम वाला, ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला आ रहा था, वो H और ये O आपको क्या दे देगा, वाटर. तो एक आपका वाटर का जो प्रोडक्ट है आपको मिल जाता है, और दूसरा क्या, CuCl. ये CuCl2 का आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्ट का प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाता है. अगर आप RMS थ्योरी के बेसिस पे देखें कि बेस क्या होता है, तो जब आप उसको डिसोसिएट करेंगे, उसमें OH- आयन लिबरेट करना चाहिए. RMS थ्योरी एसिड के लिए क्या थी, H+ थी, और बेस के लिए वो क्या है, OH- है. ये भी हम लोग अभी आगे देखेंगे. एसिड हो गया, बेस हो गया, अब डिफाइन करते हैं अल्कली. कि अल्कली क्या होता है, इट इज अ कंपाउंड व्हिच व्हेन डिसॉल्वड इन वाटर इट्स हाइड्रोक्सिल आयंस. हाइड्रोक्सिल आयंस मतलब क्या, OH- आयंस एज नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस. अभी यहाँ पे जब हम H+ आयन बना रहे थे, तो यहाँ पे प्लस यानी कि पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे OH ये माइनस है, यानी कि वो क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज. देखिए क्या, NaOH इसको आपने एक्वियस सॉल्यूशन में डिसोसिएट किया, इसने आपको क्या दिया, Na+ एंड OH-. तो ये जब OH- लिबरेट होता है, इसको क्या बोला जाता है, अल्कली. इसमें एक और कंसेप्ट है, ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज. ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा. आपको एक और डाउट आ रहा होगा, हमने OH- आयन यहाँ पे भी बोला था, और OH- आयन आपने मैंने अभी यहाँ पे भी बोला, तो फिर एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है. देखिए मैं अभी आपको एक छोटा सा क्लासिफिकेशन बताता हूँ, आगे भी आपको ये रिपीट होगा. जो बेसिस होते हैं, ये दो टाइप्स में हम लोग क्लासिफाई करते हैं, एक वाटर सोल्यूबल बेसिस होता है, और एक वाटर इनसोल्यूबल बेसिस होते हैं. ऐसे दो टाइप्स में हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं. जो वाटर सोल्यूबल बेसिस होते हैं, यानी कि जो वाटर में डिसॉल्व होंगे और डिसोसिएट होंगे, इनको बोला जाता है अल्कलीज. तो अभी हम लोग जब आगे देखेंगे, तो स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे. तो यहाँ पे आप सारे जो स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जांपल देंगे, वो सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जांपल हम लोग कहाँ कंसिडर कर सकते हैं, अल्कलीज में. तो एकदम सिंपल, ये इसका ये जो है क्लासिफिकेशन मैं आपको दे रहा हूँ, कि सारे अल्कलीज बेसिस क्यों होते हैं, बिकॉज बेसिस का जो एक पार्ट है विच आर वाटर सोल्यूबल, या फिर जो स्ट्रॉन्ग बेसिस है, इसको हम लोग कहाँ गिन सकते हैं, इसको हम लोग अल्कलीज में काउंट कर सकते हैं. और जो वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, उनके लिए नया कुछ क्लासिफिकेशन नहीं है, उनको बेस ही बोला जाता है. आपको याद क्या रखना है, बेसिस आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, वन इज वाटर सोल्यूबल, द अदर वन इज वाटर इनसोल्यूबल. तो जो वाटर सोल्यूबल है, यानी कि जो वाटर में जाके डिसोसिएट होंगे एंड आपको OH- आयन प्रोड्यूस होगा वो उसमें सोल्यूशन में, तो फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कलीज. आगे भी आएगा, तो ये बात आपको इसमें याद रखनी है. नेक्स्ट हम लोग इसका क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस ऑन बेसिस ऑफ. अब दो पार्ट्स में मैंने इसको क्लासिफाई किया, एक आपका सोर्स ऑफ एसिड, कि एसिड आपको कहाँ से जनरेट हो रहा है, तो उसमें और दो क्लासिफिकेशन आ जाते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स. और फिर एक आता है आपका मॉलिकुलर कंपोजिशन ऑफ एसिड्स, उसमें भी और दो टाइप है, हाइड्रो एसिड्स एंड ऑक्सी एसिड्स. तो इसको देखते हैं अभी क्या करना है. तो जो आपके ऑर्गेनिक एसिड्स हैं,
दिस आर द एसिड्स विच आर डिराइव फ्रॉम प्लांट्स. प्लांट से हम लोग इस एसिड्स को डिराइव करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल साइट्रिक एसिड हो गया या फिर टार्टरिक एसिड हो गया, ये आप इसमें याद रखें. नेक्स्ट इनऑर्गेनिक एसिड्स. अब इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? दे आर द एसिड्स विच आर डिराइव फ्रॉम मिनरल्स. इनको हम लोग मिनरल एसिड्स भी बोलते हैं, ये आपको इसमें याद रखना है. तो इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? HCl एग्जाम्पल ले सकते हैं, H2SO फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं. ये एग्जाम्पल्स आप कंसिडर कर सकते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स में. तो ये जो क्लासिफिकेशन था ये विद रिस्पेक्ट टू सोर्स था कि आप उसको कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं. ये प्लांट से ऑब्टेन हो रहा था, ये मिनरल से ऑब्टेन हो रहा था. अब क्या है? इट इज बेस्ड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ एसिड्स. इसका मतलब देखिए, हाइड्रोएसिड को कैसे डिफाइन करेंगे? एसिड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो होगा ही बिकॉज अरहमस थ्योरी के हिसाब से जहाँ पे H+ प्रेजेंट होता है दैट इज एन एसिड. तो हाइड्रोजन चाहिए एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट. हाइड्रोजन के साथ में एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट आपके पास होना चाहिए, लेकिन दैट शुड बी अदर देन ऑक्सीजन. जो नॉन मेटेलिक एलिमेंट है वो ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए. मैं रिपीट करता हूँ, हाइड्रोएसिड्स का मतलब क्या? हाइड्रोजन होना चाहिए, उसके साथ कौन सा भी नॉन मेटल चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन वहां पे नहीं होना चाहिए. एग्जाम्पल देखिए, HCl आएगा, HBr आएगा, तो हाइड्रोजन तो आ गया, ये Cl और Br क्या है? नेगेटिव आयंस है, तो ऑक्सीजन तो नहीं लिया ना फिर हमने. ये वाले कंसिडर किए जाते हैं हाइड्रोएसिड्स में. तो फिर ऑक्सीजन जिसमें आएगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ऑक्सीएसिड्स. देखिए, एसिड्स कंटेनिंग H, हाइड्रोजन तो चाहिए, अनदर एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट चाहिए उसमें, एंड ऑक्सीजन ऑल्सो. मतलब हाइड्रोजन भी चाहिए, एक एलिमेंट भी चाहिए और उसके आगे फिर आपको ऑक्सीजन भी चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, अनदर एलिमेंट है ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो गया? नाइट्रिक एसिड. हाइड्रोजन है, अनदर एलिमेंट है ऑक्सीजन है, अब ये क्या हो गया? सल्फ्यूरिक एसिड. HNO3 H2SO4, ये आप किसके एग्जाम्पल्स में डाल सकते हैं? ऑक्सी एसिड के एग्जाम्पल में डाल सकते हैं. जो थर्ड क्लासिफिकेशन हम लोग करने वाले एसिड्स एंड बेसिस का, दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ, कि उस पर्टिकुलर एसिड की और बेस की क्या स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से हम उसको स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स एंड बेसिस रिस्पेक्टिवली इसमें डिवाइड करते हैं. अब अगर एसिड के बारे में मैं बात करूं, सो दैट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन्स इन द सॉल्यूशन, या फिर हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन आपने कंसिडर किया तो भी चलेगा, विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड. एक बार एसिड देख लेते हैं फिर बेस देखेंगे. सो विद रिस्पेक्ट टू H+ आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन, इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एक आ जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड, एक आ जाएगा वीक एसिड. सो विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रॉन्ग एसिड, कंप्लीट डिसोसिएशन होता है काहेगा एसिड का इन इट्स एक्वियस सॉल्यूशन. जिस भी एक्वियस सॉल्यूशन में आप उसको डालेंगे वहां पे वो जो एसिड है इसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल HNO3 ले लिया मैंने और वाटर में उसको मैं मिक्स कर रहा हूं. अब मुझे यहां पे क्या चाहिए? एक तो H+ चाहिए या फिर हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होना चाहिए. तो इसका ये जो H+ है ये क्या हो रहा है? वाटर के साथ में मिक्स हो रहा है, तो मुझे वहां पे क्या मिल रहा है? हाइड्रोनियम आयन मिल रहा है. और ये जो NO3 है यहां पे क्या हो गया? सेपरेट हो गया, तो कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया ना यहां पे मेरा. सो ये जो कंप्लीट डिसोसिएशन है अगर हो रहा है, ये कंडीशन है अगर कंप्लीट डिसोसिएशन है तो, बिकॉज अगर वो पार्शियल डिसोसिएशन होगा तो उसको आप वीक एसिड्स में कंसिडर करेंगे. तो अगर कंप्लीट डिसोसिएशन है तो स्ट्रॉन्ग एसिड में आएगा. अब वीक एसिड में देखते हैं कि पार्शियल डिसोसिएशन का मतलब होता क्या है. ये मैंने एसिडिक एसिड लिया CH3COOH, जब आप इसको डिसोसिएट करेंगे इसके एक्वियस कंडीशन में तो आपको CH3COO- प्लस H+ आपको यहाँ पे मिलता है. अब ये पार्शियल कैसे हुआ? H+ यहाँ पे भी मिला लेकिन H यहाँ पे भी तो है, तो ये पूरा डिसोसिएट नहीं हो रहा है. टोटल आपके पास कितने हाइड्रोजन थे? 4 हाइड्रोजन थे, डिसोसिएट एक ही हुआ, 3 हाइड्रोजन अभी भी डिसोसिएट होना बाकी है. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, जितने भी हाइड्रोजन थे वो सारे आपको एक तरफ मिल गए और विदाउट हाइड्रोजन वाला कंपाउंड आगे आपको मिलता है. तो ये यहाँ पे कंडीशन लिखना बहुत जरूरी है कि कंप्लीट का मतलब क्या है और पार्शियल का मतलब क्या है, ये आपको याद रखना है. ये एसिड्स का क्लासिफिकेशन हो गया, लेट्स गो टुवर्ड्स बेसिस. अगर ये H+ के हिसाब से आएगा तो ये किसके हिसाब से देखेंगे आप? इसका कॉन्सेंट्रेशन OH- आयंस के हिसाब से देखेंगे. सो इसको वापस क्लासिफाई करेंगे आप स्ट्रॉन्ग बेसिस या फिर अल्कली, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया. अब यहाँ पे क्या होगा? कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ बेस इन इट्स एक्वियस सॉल्यूशन, कंप्लीट डिसोसिएशन यहाँ पे भी होना चाहिए. NaOH ले लिया मैंने, इसको मैंने डिसोसिएट किया, इसने मुझे क्या दिया? Na+ एंड OH-, तो OH- आयन मुझे यहाँ पे कंप्लीटली मिल गया. तो जब इसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है तब मैं उसको क्या बोलूंगा? स्ट्रॉन्ग बेस या तो फिर अल्कली. अगर वीक बेस है तो कंप्लीट की जगह पे क्या हो जाना चाहिए? वहां पे आना चाहिए पार्शियल डिसोसिएशन. अब पार्शियल डिसोसिएशन मतलब क्या? अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया, NH4OH, इसको आप लोगों ने क्या किया? डिसोसिएट कर दिया. अब यहाँ पे क्या हो गया? NH4+ एंड OH-. ये पार्शियल कैसे हुआ? OH तो मिला आपको, ये H क्यों मिला? देखिए
H जो यहाँ पे था, अब अगर आप इसको अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा केमिकल बॉन्डिंग का, तो लास्ट में मैंने आपको उसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझाया था। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा था, NH3 था आपके पास, उसने H+ को एक्वायर किया। अब यहाँ पे H+ क्यों आया, तो इसके वजह से क्या आ गया, ये OH- आयन तो मिला आपको लेकिन पार्शियली मिला, बिकॉज उसके अंदर कुछ कैरेक्टर हाइड्रोजन का भी है। यहाँ पे लेकिन क्या रहा था, OH पूरा आपको सेपरेटली मिल गया था, यहाँ पे OH मिला लेकिन H भी मिल रहा है, दैट इज व्हाट इज पार्शियल कंडीशन। H मिला तो फिर एसिड क्यों बोलते हैं, एक्चुअली दोनों का कंपैरिजन अगर आप करेंगे ना, OH H से थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो थोड़ा सा बेसिक कंडीशन आपको उसकी मिलती है लेकिन थोड़ी कॉमन है, दैट इज व्हाट इट विल बी कंसीडर्ड इनटू वीक बेस। ये आपको इसके अंदर याद रखना। जो हमारा फोर्थ क्लासिफिकेशन, ये हम लोग करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन, कि उस एक्वस सॉल्यूशन में आपका एसिड या फिर बेसिस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, उसके बेसिस पे हम लोग उसको डिवाइड करेंगे इनटू कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स, और बेसिस के लिए हम लोग यहाँ पे अल्कली वर्ड यूज कर रहे हैं। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मतलब क्या, इट विल हैव हाई परसेंटेज ऑफ एसिड इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, मतलब जो भी सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर किया है उसमें एसिड का परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए, और जो वाटर या फिर जो भी आपका एक्वस सॉल्यूशन है उसका परसेंटेज कम होना चाहिए। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो भी आपने उसमें सॉल्वेंट लिया है वो सॉल्वेंट कम होना चाहिए और आपका एसिड उसमें ज्यादा होना चाहिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। अब डाइल्यूट एसिड मतलब क्या, आपका जो एसिड है इसका परसेंटेज लो होना चाहिए उसके सॉल्यूशन में, तो एसिड का परसेंटेज थोड़ा सा क्या हो गया, लो हो गया, और जो वाटर है उसका परसेंटेज थोड़ा हाई हो गया, इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, डाइल्यूट एसिड। एक कंडीशन है इसमें, जब आप इसको यहाँ पे बनाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन शुड बी लेस देन 1 mole/L, जब आप डाइल्यूट एसिड को प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए आपके जो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए दैट शुड बी लेस देन 1 mole/L, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट कमिंग फॉर बेसिस, अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड बेस का यूज नहीं होता यहाँ पे, दैट इज ऑल्सो सेम, हैविंग हाई परसेंटेज ऑफ अल्कली इन इट्स एक्वियस सॉल्यूशन, जैसे यहाँ पे हाई परसेंटेज ऑफ एसिड था तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, हाई परसेंटेज ऑफ अल्कली, और यहाँ पे लो परसेंटेज ऑफ अल्कली इन इट्स एक्वियस सॉल्यूशन, उसके लिए भी कंडीशन सेम है कि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट शुड बी लेस देन 1 mole/L। जो हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, जो फिफ्थ टाइप का क्लासिफिकेशन है, ये है बेसिसिटी ऑफ एन एसिड और एसिडिटी ऑफ अ बेस। इसमें याद क्या रखना है, जो भी चीज लास्ट में लिखी है उसको डिफाइन करनी है। अब उसको डिफाइन कैसे करेंगे, अब देखिए बेसिसिटी ऑफ एसिड में डिफाइन किसको करेंगे, एसिड को, मतलब क्या, H+ आयंस। तो उस पर्टिकुलर एसिड में कितने बार H+ आयन आप जनरेट कर सकते हैं, मतलब क्या, नंबर ऑफ H+ आयंस प्रोड्यूस्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड। तो उस पर्टिकुलर एसिड में नंबर ऑफ H+ आयंस कितनी बार जनरेट हो रहे हैं, इसको आप क्या बोलेंगे, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। आपको कितनी बार मिला, एक ही बार मिला, इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया, मोनोबेसिक एसिड ऐसा बोला। अब डायबेसिक मतलब क्या, हाइड्रोजन आयन जो आपको यहाँ पे फॉर्म हो रहा था ये दो बार फॉर्म होगा, H2SO4 का एग्जाम्पल लिया मैंने। अब इसमें क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में वाटर एक ही हाइड्रोजन आयन ले पाएगा, दो हाइड्रोजन आयन एक साथ नहीं लेगा, तो वाटर ने जब एक हाइड्रोजन आयन लिया तो वो क्या हो जाएगा, H3O+, यहाँ पे क्या बचा, फिर एक हाइड्रोजन तो निकल गया तो HSO4-, ये यहाँ पे बच जाता है। अब ये HSO4- मैं नेक्स्ट स्टेप में लूंगा, वापस ये हाइड्रोजन वाटर के पास जाएगा, तो वाटर ने ये हाइड्रोजन निकाल लिया, वो वापस क्या हो गया, H3O+, और यहाँ पे क्या बचा दे, SO4-. तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, आपको H+ आयन जो था वो एक ही बार मिला, तो मोनोबेसिक एसिड की बेसिसिटी क्या हो जाती है, 1। और डायबेसिक एसिड में आपको H+ आयन कितनी बार मिला, H+ आयन आपको यहाँ पे दो बार मिला, तो डायबेसिक एसिड की बेसिसिटी क्या हो जाएगी, 2। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ट्राइबेसिक का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। उसके पहले एक ये देख लेते हैं कि एसिडिटी ऑफ अ बेस क्या है। अब यहाँ पे क्या होगा, OH- आयन कितनी बार जनरेट हो रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिडिटी ऑफ अ बेस। फर्स्ट मोनो एसिडिक बेस, अब देखिए NaOH इसको आपने डिसोसिएट किया, आपको क्या मिल गया, Na+ एंड OH-, तो OH- आपको कितनी बार मिला, एक ही बार मिला, इसीलिए वो क्या है, मोनो एसिडिक बेस। आगे देखिए डाई एसिडिक बेस मतलब, अब यहाँ पे डाई लिख दिया है तो OH आपको कितनी बार मिलना चाहिए, 2 times, तो CaOH ट्वाइस है, इसको मैंने ब्रेक कर दिया तो Cl2+ एंड 2 times OH-, यहाँ पे मुझे OH- कितनी बार मिल रहा है, 2 times। एक और एग्जाम्पल CuOH twice, तो यहाँ पे जब मैं उसको डिसोसिएट करूंगा तो Cu2+ एंड 2 times OH-, तो आपको OH- आयन कितने बार मिल रहा है, 2 times, यहाँ पे 1 time मिला था
तो इसकी आपकी एसिडिटी क्या हो जाएगी 1, और यहाँ पे आपको कितनी बार मिला 2, तो यहाँ पे आपकी इसकी एसिडिटी हो जाती है 2, ये आपको याद रखना। जो एक एग्जांपल रह गया था एक आपका ट्राइबेसिक एसिड, अब ट्राइबेसिक एसिड में देखिए क्या होगा, एच प्लस आयंस आपको क्या होगा 3 बार मिलेंगे। अब H3PO4 है और H2O है, तो H2O इस एसिड में से फर्स्ट टाइम सिर्फ एक ही बार हाइड्रोजन निकलेगा, तो 2 बार हाइड्रोजन आपके पास रह जाएंगे। हाइड्रोजन आने के बाद क्या होगा, H2O का क्या हो गया H3O+, और ये H3 की जगह पे अभी क्या बचा सिर्फ H2, तो H3PO4 की जगह पे H2PO4 ऊपर आ जाता है 1-। ये फिर मैंने आगे ले लिया। अब वाटर क्या करेगा, एक और हाइड्रोजन को यहाँ से निकालेगा, तो वापस H2O का क्या हो जाएगा H3O+, एक हाइड्रोजन यहाँ से आपने वापस कम कर दिया, तो H2 की जगह पे अभी सिर्फ बचेगा H, तो H2PO4 की जगह पे HPO4, उस पर आ गया 2-। इसको वापस मैंने आगे लिया, अब ये लास्ट स्टेप आएगी वाटर की, बिकॉज इसके पास एक ही हाइड्रोजन है उसको देने के लिए, तो H2O को वापस क्या हो गया H3O+, और यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन था ये रिमूव हो गया, तो आपके पास क्या बचता है PO4, यहाँ पे आ जाएगा 3-। आपको 3 स्टेप्स लगे, इसलिए ट्राइबेसिक एसिड की बेसिसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे 3 हो जाएगी, ये आपको याद रखना। आगे ट्राइएसिडिक बेस है, अब देखिए ये सिंगल स्टेप में हो जाता है, इसको 3 स्टेप में करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो AlOH3 है, उसको आपने ब्रेक कर दिया, तो ये आपको क्या दे देगा Al3+ एंड 3OH-, तो यहाँ पे OH- आयंस आपको कितने बार मिल रहे हैं 3 टाइम्स। FeOH3, तो Fe3+ है और वो 3OH- में है, अगेन OH- कितने बार मिल रहा है 3 टाइम्स, तो इसकी एसिडिटी कितनी हो जाती है 3, ये आपको इसमें याद रखना है। तो जो क्लासिफिकेशन है यहाँ पे हो गया हमारा, तो इस लेक्चर को मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। अभी इसके अरहनस थ्योरी, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के एग्जांपल्स थे वो, बाद में इसके कुछ रिएक्शंस भी पेंडिंग है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आपको अगर कुछ भी डाउट्स है उसे नीचे कमेंट सेक्शन में डालें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं आपको उसके आंसर्स दूंगा। थैंक यू।